हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल पे, जिसका नाम है शर्मी ऑनेस्ट किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ घिया के कोफ्ते। जो नॉर्मल घिया के कोफ्ते होते हैं वही बनाने वाली हूँ, पर थोड़े नए अंदाज में बनाने वाली हूँ। तो आइए चलिए चलते हैं शर्मी की किचन में। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अभी मैं बहुत छोटी हूँ और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं भी थोड़ा कुछ आगे ग्रो कर पाऊंगी। तो मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलो मिलते हैं शर्मी के किचन में बनाने के लिए घिया के कोफ्ते। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे कोफ्ते कितने टेस्टी और टेम्पटिंग लग रहे हैं। बिल्कुल ड्राई मैंने आज बनाया है, थोड़ा अलग सा। ये मैंने आधा कद्दूकस कर लिया था लौकी को, और ये मैंने बेसन इसमें डाल दिया है। लौकी को मैंने थोड़ा निचोड़ लिया था, जो मैंने आपको नहीं दिखाया। अब मैं इसमें थोड़ा नमक डालूंगी, और लौकी के कोफ्ते इतने टेस्टी लगते हैं खाने में। अब मैंने थोड़ा सा हल्दी डाल दिया, थोड़ा धनिया पाउडर डाल दिया, और ये मैंने थोड़ा सा इसमें मसाला डाल दिया, गरम मसाला। तो ये और थोड़ा धनिया पत्ती मैं डालूंगी, और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा लहसुन डालूंगी और थोड़ा चॉप किया हुआ प्याज जो है वो डालूंगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी, क्योंकि मैंने लौकी से पानी निकाल तो दिया था, फिर भी लौकी में बहुत पानी था, तो मैंने उसमें और बेसन थोड़ा ऐड करना पड़ा मुझे। ये देखिए अब मैं डीप फ्राई करने लगी हूँ, और थोड़ा सा चिपक रहा था, मेरा तेल गर्म नहीं हुआ था। ये देखिए लग गया था, फिर भी अब उसको निकाल लिया एक लॉट, और ये सेकंड लॉट मैं कर रही हूँ। और ये इतना टेस्टी, मतलब इसका मसाला खुद में इतना टेस्टी बना है कि अगर आप खाली पकौड़े भी अगर आप खाते हो तो वो भी सॉस के साथ, चटनी के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने डीप फ्राई करके सारे पकौड़े निकाल लिए, आधे तो इसमें से हम लोग खा लिए। अब हम इसमें डालेंगे ग्रेवी में। ग्रेवी में मैं 5 फोड़न डाल रही हूँ। मुझे इसके, मतलब लौकी के कोफ्ते में 5 फोड़न बहुत अच्छा लगता है। ये फाइन चॉप मैंने 2 बड़े बड़े प्याज फाइन चॉप कर ले लिए थे, और ये मैंने इसमें देखिए ऑयल में डाल दिया। और ये देखिए ऑयल में मेरा प्याज जो है धीरे धीरे गोल्डन होने तक मैं इसको भूनूंगी। और ये मतलब इतना रेसिपी अच्छा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। यह मैंने लहसुन थोड़ा डाल दिया है, चॉप लहसुन, वो खड़े लहसुन थोड़े अच्छे लगते हैं इसमें, तो मैं ज़रूर से डालती हूँ, तो आप भी ज़रूर से डालिए। वैसे ही मसाला इसमें भी मैं वही डालूँगी, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा नमक, थोड़ी हल्दी, और थोड़ा सा किचन किंग मसाला, और थोड़ा हल्दी डाल दिया। ये देखिए और कितना अच्छा, मतलब ये मतलब मसाला हमारा तैयार होएगा। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि किचन में इतना नॉइज़ था तो मैं कुकिंग कर ही नहीं पा रही थी, तो मैंने तो फिर वैसे ही करके बाद में मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ। मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि मेरे मसाले जो हैं जले ना, थोड़ा सा ऑलरेडी थोड़े भुन गए थे। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट को मैंने थोड़ा सा हल्दी की कटोरी में ही घोल दिया था, इसलिए पीला सा रंग आ गया उसका। ये देखिए अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। मैंने खड़े लहसुन भी डाले हैं थोड़े से, और थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला है, इससे जो टेस्ट है और बढ़ जाता है, एनहांस हो जाता है। अब मैं टमाटर को तब तक भूनूंगी जब तक ऑयल रिलीज ना हो जाए। थोड़ा धनिया पत्ती डाली हूँ मैं, और ये देखिए हमारा कितना अच्छा ग्रेवी एक तैयार हो गया है। अब मैं इसमें दही डालूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ी खट्टी खट्टी सी दही की भीनी भीनी सी खुशबू आती है, तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा ये बन गया है। और बनने के बाद ये देखिए मैंने पकौड़े जितने भी थे सारा इसमें डाल दिए, और डालने के बाद ये पकौड़े जो हैं अभी कितना अच्छा ड्राई ड्राई सा ही है। अभी मैंने थोड़ा ड्राई बनाना था आज परांठे के साथ खाने के लिए, ग्रेवी नहीं बहुत ज़्यादा देना था। थोड़ा सा मैंने पानी डाला और मैं ढक के इसको पकाऊंगी ताकि ये पकौड़े जो हैं थोड़े पक जाएं, नहीं तो वैसे तो पक ही गए हैं पर थोड़े भीग जाते हैं तो थोड़े और सॉफ्ट हो जाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ हमारा, मंचूरियन की तरह लग रहा है, लौकी मंचूरियन की तरह कितना टेस्टी लग रहा है, और खाने में भी उतना ही टेस्टी जितना देखने में आपको लग रहा है। तो इसी तरह से मेरी रेसिपी आप बनाते रहिए और इन्जॉय करते रहिए जैसे मैं करती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।